चेक हो गया। अभी इसको पकड़ते हैं, इसमें भी करते हैं एक तो। नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं संतोष आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियन फार्मर चैनल में। किसान भाइयों, आज की कुछ बात ऐसी है, आज हम एक तगड़ा जुगाड़ लेके आए हैं आपके लिए। ये जुगाड़ नहीं है, एक फ़ायदेमंद चीज़ है, काफ़ी जगह पे यूज़ होती है, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, नहीं भी पता होगा आज हम बताने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, कुछ दिन पहले हम क्या हुआ, गए थे पूना के एग्जीबिशन में, तो कुछ कमेंट भी आए हमको लोग को कि संतोष भाई कुछ नया चीज़ हो तो दिखाओ। तो काफ़ी दिन से हम लोग देख रहे हैं, साल दो साल से वो चीज़ देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं, इसलिए सोचा कि क्यों ना आज इसके बारे में आज पूरा वीडियो बनाया जाए, इसके बारे में बताया जाए। तो कई दफ़ा क्या होता है किसान भाइयों, हमारे जो खेत में क्या होता है, बल्टी रहती है, मग रहता है, या कोई चीज़ ऐसी प्लास्टिक की रहती है, छोटा मोटा हल्का फुल्का हम यूज़ करते वक्त क्या होता है, कहीं गिर फुट जाता है, फूट जाता है, छेद हो जाता है, तो वो हम लोग फेंक देते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों हम लोग फेंक देते हैं तो नुकसान वाली बात है। अब किसान भाई, ऐसा है, हम लोगों को समय नहीं रहता है इतना बार बार हम लोग वो चीज़ें लाएँ, तो उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं, फूटी है, कहीं छेद हुआ है, कुछ हुआ है, उसको चालू में भी रिपेयर कर सकते हैं, पानी लीकेज कर रहा है। किसान भाइयों, ये ऐसा तगड़ा मैं आपको जुगाड़ है कि ये आप घर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर 500 लीटर 2000 लीटर की टंकी हो, डबल लेयर, सिंगल डबल लेयर या ट्रिपल लेयर वाली बड़ा सा गैलन रहता है, वो अगर नीचे छेद हुआ, फूट गया, तो उसको भी आप एकदम रैपिडली 2 मिनट के अंदर लीकेज निकाल सकते हैं। तो पूरा मतलब ये जुगाड़ है, पूरा एक रैपिडली लीकेज निकालने का जुगाड़ है, चाहे वो आपका ये छोटा सा गैलन हो दवाई वाला, चाहिए बड़ा वाला गैलन हो, चाहे इसी तरह की बल्टी हो। तो आज हम लोग पूरा ये सामग्री मैंने ये आपके लिए लाई है, क्योंकि आपको एक दिखाना चाहता हूँ मैं शॉर्ट में कि ये कैसे इसका एकदम निकलता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपको एक अच्छी चीज़ दिखाऊँ, ऐसा नहीं कि मुझे व्यूज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इंडियन फार्मर ये कोशिश करता है कि हमेशा आपको अच्छी चीज़ दिखाए, अच्छी जानकारी दे, एक आइडियल आप किसान बने, आगे चल के हर चीज़ के बारे में ऐसा ना हो कि जानकारी आपके पास नहीं है। तो हम लोग वहाँ पे गए तो ये हमको ये मिला, ये देख सकते हैं, हम लोग इसको स्टिक कहते हैं, इसको कांडी स्टिक भी कह सकते हैं, ये कांडी लीकेज हम लोग कहते हैं, कैंडल स्टिक की तरह होता है, ये देख सकते हैं एकदम मुलायम रहता है, ये हार्ड भी रहता है एकदम इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इससे क्या होता है, लीकेज निकलता है। तो इससे लीकेज कैसे निकलता है तो इसके बारे में बताता हूँ आपको आगे, लेकिन उससे पहले मैं इसके प्राइस के बारे में बताना चाहूँगा। इसका प्राइस हम लोगों ने 80 रुपये में इसको चार ये स्टिक ली थी। तो ये किसान भाई, इसको क्या कहते हैं, किसी को आपको पता होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा, ये कहाँ मिलता है वो भी हमको बताइए, क्योंकि और लोगों को जो है इसके बारे में पता चले, क्योंकि ऐसे चीज़ें एकदम एक बार में यूज़ एंड थ्रो नहीं होनी चाहिए, जैसे गैलन हुआ, ये हुआ, इसका भी रिपेयर करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाई, अब देखते हैं इसका लीकेज कैसे निकालते हैं। ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्या है, मैंने पहले इसको ट्राई किया, मैंने क्या सोचा क्यों ना इसको पहले देखा जाए, तो उसके बाद अभी अब देखते हैं इसको क्या है, अभी कोई फूटा फूटा लीकेज तो है नहीं, अब तो लीकेज तो करना पड़ेगा, पहले आपको दिखाना है। तो प्लास्टिक की चीज़ भी मेरे पास ऐसे कुछ नहीं थी कि वहाँ पे लीकेज है, तो पहले इस पर लीकेज करना पड़ेगा, उसके बाद ये हम लोग ऐसे ये तीन दोनों जीरो इस तरीके से लीकेज मान ली, हो गया ठीक है। इसको अब निकालना कैसा है, हम लोग इसको भी नीचे से लीकेज कर देते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से मान लिए, छोटे छोटे लीकेज है, इससे थोड़ा हल्का फुल्का बड़ा भी चल जाएगा, ये देख सकते हैं। तो इसका लीकेज निकालना कैसे है, ये नीरज भाई थोड़ा इधर हो, तो पहले क्या है, आपको एक कैंडल लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ना गर्माना पड़ता है, ये हम लोगों ने ऐसी कैंडल ली है और ये हमारी स्टिक हुई। अगर लाइटर हो, बड़ा लाइटर हो तो अच्छी बात है आपके पास, उससे क्या है ये स्टिक आपकी काली नहीं पड़ेगी, ज़्यादा आसानी से जो है निकल जाता है, ये देख सकते हैं हमारा। तो हम लोगों ने पहले इसको ट्राई किया, थोड़ा हल्का फुल्का ये काला हुआ है, तो इसको पकड़ो। तो एक चीज़ का ध्यान देना है, ये जब भी आप स्टिक गर्म कर रहे हैं, गर्म करते समय इसको गोल गोल घुमाना है, चारों तरफ से ये गर्म हो इस तरीके से, एक ही साइड से अगर आप गर्म करेंगे तो वो गर्म नहीं होगी और वो चिपकेगी भी नहीं कायदे से। तो इसके धीरे 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 इसको घुमाइए ऐसे इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घुमा रहा हूँ इसको, इसको पूरा कायदे से इसको गर्म करिए, थोड़ा हाथ लगा दो, हवा बहुत चल रही है इस वजह से थोड़ा ये देर लगेगी, लेकिन इसको होगा ज़रूर, हाथ पे मोम ना गिरे, रुको। तो इस तरीके से ये गर्म हो गया, इसको देखिए ये ऐसे लगाना है, ये देख सकते हैं इस तरीके से निकल गया, छोटे छोटे लीकेज इस तरीके से आप ऐसे इसको लगाइए और ऐसे घुमाइए, इस तरीके से निकल जाएगा। हम लोगों ने ये नॉर्मल प्लास्टिक भी देखा, अब हार्ड पे दिखाते हैं, ज़्यादा बड़े होल होंगे तो किसान भाइयों नहीं निकलेंगे, ये आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ।
उसके बाद ये दूसरा लो हम लोग नीचे वाला लीकेज निकालते हैं, बड़े वाला हार्ड का, ये इस तरीके से 4 3 2 1 0, ये बस लगाया और घुमाया और हटाया, बस इस तरीके से पूरा ये लीकेज निकल जाता है। फिर से एक बार मैं दिखाता हूँ, ये देखिए, ये ऐसे कैंची पकड़ी, ये छेद हुआ, ये इसको गर्म किया, उसके बाद इसको पकड़ा और इसको घुमाया, ये इस तरीके से निकल गया, इस तरीके से पूरा ही लीकेज निकाला। फिर से एक बार ऊपर वाला प्लास्टिक में दिखाता हूँ, ये लीकेज हुआ। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं किसान भाइयों, एकदम इजीली है। मैं एक दो बार इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप ये ना सोचे कि हम लोगों ने रिटेक ले लेके किया गया है। बस एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप इसको स्टिक को अंदर डाल दें तो अंदर डाल के इसको गोल घुमा दीजिए, एकदम कायदे से पीछे तक इसको गर्म भी कर दीजिए। डबल डबल इसीलिए दिखा रहा हूँ कि आपको वो तरीका समझ में आए। ये थोड़ा मैंने बड़ा लीकेज अभी करके आपको दिखाया, पहले छोटा दिखाया, और कुछ हद से ज़्यादा अगर लीकेज बड़ा हो तो उसको आप नहीं निकाल सकते, वो चीज़ रिजेक्ट ही कर दीजिए। क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा, बड़ा लीकेज करके देखा, तो वो उतना नहीं निकल रहा जितने कि छोटे लीकेज सक्सेसफुल है। तो इसको भी ऐसे डालिए, 4 3 2 1 0, निकला नहीं सर, ये देख सकते हैं इस तरीके से ये भी निकल गया। तो इसी तरीके से पूरा ये लीकेज जो है इस तरीके से निकल जाता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखो हम लोगों ने पहले भी इसके एक लीकेज निकाला, इस साइड में, इसके ऊपर भी निकाला, ऊपर एक निकाला, ये देख सकते हैं बड़ा वाला निकाला, उसके बाद नीचे हम लोगों ने दो छोटे निकाले, उसी तरीके से इस बल्टी में भी निकलेंगे। तो इस तरीके से आपके पास कोई भी चीज़ हो, खेती रिलेटेड आप यूज़ कर रहे हैं, हल्की फुल्की हो या भारी हो, इस तरीके से गैलन हो, तो उसको आप अच्छे से ये लीकेज इस स्टिक द्वारा आप निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये स्टिक का वीडियो आपको कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।